षड्यंत्रबाजी है वो देखकर ही मजा आता है. वो ही आई वुड से ही इज द बैचलर डैड ऑफ लॉकअप. अगर आपने शो देखा हो, यू नो, एक ब्रह्मास्त्र कंगना के तौर पर इस शो में लॉन्च कर लिया. एक बहुत खुशी की बात है, 5 साल कंप्लीट हो गए. अप्रैल 2017 में मुझे याद है मैं गोलमाल की शूटिंग कर रहा था हैदराबाद में, तब लॉन्च हुई थी. और उस टाइम से लेकर अब तक 5 साल हो गए. तो मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ ऑल्ट की पूरी टीम को. और उनका जो एक स्लोगन है #HighFiveForAlt, वो मेरी तरफ से उनके अगले 5,000 सालों के लिए. बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन होगा, वो तो मैं नहीं बताऊँगा क्या होने वाला है क्योंकि वो दर्शकों के लिए होगा. लेकिन लॉकअप के जो कैदी है आप तो जानते ही हैं कैसे हैं, तो मेरे आने के बाद वो कैसे आई थिंक मतलब सरप्राइज हो जाएंगे या खुश हो जाएंगे या और ज़्यादा मस्तियाँ करने लगेंगे, वो आपको देखना पड़ेगा. मेरा कोई एक फेवरेट नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे फेवरेट्स हैं. करणवीर अच्छे हैं, वंदना जिनके साथ मैंने काम किया है वो भी रियलिटी शोज की फेवरेट हो रही हैं अभी. पायल इज़ ऑल्सो क्वाइट यू नो क्वाइट फियरलेस. और फरूकी इज़ वेल नोन स्टैंड अप कॉमिक, तो उनको भी उनकी जो षड्यंत्रबाजी है वो देखकर ही मजा आता है. वो ही आई वुड से ही इज़ द बैचलर डैड ऑफ लॉकअप. अगर आपने शो देखा हो तो वो बैचलर डैड है क्योंकि मैंने एक बुक लिखी है बैचलर डैड, तो मैं उससे कंपेयर कर रहा हूँ. मुझे लगता है ऑल्ट बालाजी ने एक यू नो एक ब्रह्मास्त्र कंगना के तौर पर इस शो में मतलब लॉन्च कर लिया. एक ब्रह्मास्त्र जो आई वुड से इज कंगना रनौत, बिकॉज शी इज़ द परफेक्ट पर्सन टू होस्ट दिस शो. उनकी जो बेबाकपन है, उनका जो एक खुलापन है, उनका जो एक उनकी जो निडरता है और जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो मतलब लोगों को उनकी असलियत बताती है, उनको जज करती है, यू नो दैट इज़ वेरी फेयर एंड वेरी वेरी रियल. सो कूडोज टू हर. मुझे कंटेस्टेंट्स की पर्सनल लाइफ के बारे में इतना तो पता है नहीं, लेकिन जितना वो खुद खुलासा करते हैं शो पे वो उनका प्रेरोगेटिव है और उनका हक है. सो आई डोंट नो इफ आई एम द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन इट, क्योंकि उसके अलावा मैं उनकी पर्सनल लाइफ को जानता नहीं हूँ. मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता क्योंकि ये मीडिया या सोशल मीडिया ही है जो मतलब ये वीडियोस फैलाती हैं और जो मतलब इन चीज़ों को बढ़ाती हैं, हाइप करती हैं. तो आई डोंट थिंक इसका शो के मतलब चैनल या प्लेटफॉर्म से या फिर शो के प्रोड्यूसर से कोई लेना देना है. इट्स पार्ट ऑफ लाइफ नाउ, जहाँ हम अगर कुछ भी करते हैं तो वो मतलब एग्जैजरेट हो जाती है सोशल मीडिया के ज़रिए. सो दैट इज़ समथिंग जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते. आई वुड लाइक टू से दैट यस, ही इज़ ऑल्सो वेरी स्मार्ट, ही इज़ वेरी टॉकटिव और मैं उनको पर्सनली भी थोड़ा बहुत जानता हूँ और एक फैमिली मैन है वो. तो माई बेस्ट विशेज टू हिम. उसके अलावा मतलब उनको शो में देखने में अच्छा लगता है, लेकिन दिस टफ कॉम्पिटिशन दिस टाइम. नेक्स्ट फिल्म इज मारीच, जो एक हॉरर नहीं एक मर्डर मिस्ट्री है. और उसके बाद आएगी कुलजा सिम्पसन, फॉल्स फ्लैग नाम का एक वेब सीरीज भी है जो मैंने साइन किया है. सो लॉट्स इन स्टोर. वेरी वेरी नाइस पिक्चर्स, वेरी नेचुरल एंड इट वॉज अ वेरी प्राइवेट वेडिंग जो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ. और माई बेस्ट विशेज फ्रॉम द फैमिली, बिकॉज चिंटू जी डैड के बहुत क्लोज फ्रेंड थे, तो पूरी फैमिली से उनको बहुत बहुत बधाइयाँ एंड अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ टुगेदर. हाय, दिस तुषार हियर एंड हियर्स विशिंग फर्स्ट इंडिया टेली ऑल द वेरी वेरी बेस्ट. बहुत ही खुश हूँ मैं कि हमारे 5 ईयर्स कम्प्लीट हो गए
एंड इट्स जस्ट द बिगिनिंग. ओल्ड का ये सबसे सक्सेसफुल शो है लॉकअप एंड आई एम सो हैप्पी आई एम सेलिब्रेटिंग 5 years of old on the lockup set.